उत्तर नागपुर के समता नगर, तारकेश्वर नगर, स्वामी नगर, नारी राज नंदिनी लेआउट, राजा भोज नगर, बांदे लेआउट, एपीएम पब्लिक स्कूल के इलाके में बिजली वितरण कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में बार बार बिजली गुल होने की वजह से गर्मी के दिनों में 2 घंटे तक लाइन बंद रहने से नागरिकों की हालत गंभीर होती जा रही है। गर्मी के दिनों में बच्चों के काफी हाल गंभीर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र निर्माण सेना की ओर से अपने विभाग को 3 दिन का समय देते हैं, इन 3 दिनों में इस क्षेत्र की सभी बिजली बहाल की जानी चाहिए, ऐसी अपील महाराष्ट्र निर्माण सेना ने की है। आंदोलन प्रभाग क्रमांक 2 उत्तर नागपुर विभाग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आम्ही 8-15 दिवस झाले एमएससीबीच्या मागे सतत पाठपुरावा करत आहे की तुम्ही लोडशेडिंग का करत आहे, कारण की रात्री 10-11 वाजता लाईन गेली तर सरळ रात्री 3 वाजता लाईन येते, त्याच्यामध्ये लोडशेडिंगमध्ये लाईन डीम असल्यामुळे तिथल्या नागरिकांच्या फ्रीजावर, टीव्हीवर, फॅनवर सर्व याचा फरक पडत आहे आणि याच्यामुळे फ्रीज उडत आहे, याचं नुकसान भरपाई कोण देणार? आम्हाला तेच शासनाला विचारायचं आहे। उत्तर नागपुराचे आमदार हे ऊर्जामंत्री असूनसुद्धा उत्तर नागपुरात एमएससीबीचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोडशेडिंग आहे तर बाकी महाराष्ट्राने काय करावं? या महाराष्ट्राच्या नागरिकांना हाच प्रश्न पडला आहे की उत्तर नागपूरचे आमदार असून आणि ऊर्जामंत्री महाराष्ट्र राज्याचे, या उत्तर नागपुरात लोक मोठ्या प्रमाणात त्रासून गेले आहे, कारण की आता एकच पर्याय आला आहे, उत्तर नागपूरचे जे एमएससीबीचे कार्यालय ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना येत्या 15 दिवसात हा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला नाही तर आंदोलन आपिस फोड आंदोलन हाती घेणार। आता आज तुम्ही आलं एम आय काय केलं? आज आम्ही त्यांच्या कोणतीच इथं अधिकारी उपस्थित नाही आहे, नितीन राव साहेबही नागपुरात 15 दिवसापासून नाही आहे आणि त्यांना आम्ही वारंवार सांगूनही कोणीच ऐकून न राहिलं आणि सतत तोच प्रॉब्लेम आहे। आम्ही त्यांच्या नितीन राऊत साहेब त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर त्यांची फोटो लावून त्यांना हार टाकला आहे। मेरा नाम मालती बोपचे है, मैं समता नगर गली 13 नंबर गली एपीएन पब्लिक स्कूल से आई हुई हूँ, प्रभाग 2 से। सर 15 दिन हो गया लाइट नहीं है, उसके साथ साथ वोल्टेज भी नहीं है, रात रात भर लाइट गोल रह रही है, छोटे छोटे बच्चे जिनको लेके हम लोग रोड पे सो रहे हैं, उसके साथ साथ सांप निकल रहे हैं क्या ये, और हमारी मोटर जल रही, फ्रिज जल रहा, पानी नहीं है, इसकी हानि कौन भर के देगा? हम बार बार एमसीपी वाले को बुला रहे हैं, बस बोल रहे हैं डीपी जल रही, डीपी काम नहीं कर रही, ये क्या नाटक है? कोई अधिकारी नहीं आया, अधिकारी आया बस इतना बोला सुधार देंगे, सुधारना का काम चालू है, कब तक चालू रहेगा? सर 15 दिन हो गया, 15 दिन, हाँ 15 दिन हो गया, बिल्कुल लाइट नहीं है हमारे गली में। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना, फ्रिज शॉर्ट हो गया, पानी की मोटर शॉर्ट हो गई, 20-25-30-40 हजार का नुकसान हो गया, ये नुकसान कौन भर के देगा? 6 दिन से पानी, 6 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, हमने नहाए नहीं, हमारे बच्चों ने नहीं नहाए हैं। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर।